हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप आधार कार्ड में नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका नाम हो गया सुमित कुमार और आपको करना है बबलू कुमार, यानी कि आप आधार कार्ड में पूरा नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से इस वेबसाइट से आपको काम कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे क्या क्या सर्विसेज मिलती है, वो सारा जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या क्या लगने वाला है नाम करेक्शन का, ये सारा जानकारी आपकी इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हैं, चाइल्ड इनरोलमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 0 से 5 साल तक के बच्चे का अगर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट करना है वो भी आप कर सकते हैं, एड्रेस भी आप अपडेट कर सकते हैं, नाम आप यहाँ पे अपडेट करना है, पूरा नाम भी आप अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है आप अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे ये सारा चीज आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इसमें पर अपडेट का क्या चार्ज कटने वाला वो चीज पहले हम लिस्ट दिखा देते हैं आपको, उसके बाद अगर आपको आईडी लेना हो तो किस प्रकार से मिलेगा ये चीज समझिए। पर एंट्री अगर चाइल्ड इनरोलमेंट आप करते हैं तो यहाँ पे 300 रुपए चार्ज कटेंगे, अगर मोबाइल या ईमेल अपडेट करते हैं तो 125 चार्ज कटेंगे, डेट ऑफ बर्थ का 400 कटेंगे, नाम का 400 कटेंगे और एड्रेस का 400 कटेंगे, यानी यहाँ पे इतना चार्ज आपका यहाँ पे कटने वाला पर एंट्री। ठीक है, अब इस पर हम बात कर लेते हैं कि पहले नाम अपडेट कैसे करेंगे, इसके बाद हम आईडी किस प्रकार से मिलेगा तो वो चीज हम आज से बताते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आपको नाम अपडेट करने के लिए यहाँ पे नेम अपडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पहले पूरा नाम, पूरा ओल्ड नेम है, यहाँ पे आपको पुराना नाम डालना है। मान लीजिए आपका नाम राजू कुमार है तो यहाँ पे राजू कुमार डालेंगे, और नया नाम जो करना है तो आपको इस वाला में डालना है, न्यू नेम वाला में। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम जो है हिंदी में रखना है, जो नया नाम होगा उस वही नाम आपको यहाँ पे हिंदी में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका आधार कार्ड में पहले से वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है, इसके साथ साथ आपका मोबाइल नंबर भी अपडेट हो जाता है। यहाँ पे आपको फादर नेम जो भी होगा आपके आधार में वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देंगे, यहाँ पे जो भी विलेज है वो आपको फिलअप कर देंगे, यहाँ पे जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, यहाँ पे जो भी लैंडमार्क होगा वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, यहाँ पे जो भी आपका जिला है इसको यहाँ पे फिलअप करेंगे, ये सारा सारा इंग्लिश में आप फिलअप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी राज्य है वो राज्य आपको यहाँ पे फिलअप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका पिन कोड होगा वो यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे, यहाँ पे जो भी आपका फोटो होगा यहाँ पे फोटो जो अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है वो भी व्हाइट बैकग्राउंड वाला। ठीक है, वो आपका यहाँ पर चाहे तो फोटो भी साथ में चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्या करना है, डॉक्यूमेंट में जो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना निवास प्रमाण पत्र या फिर वोटर आईडी कार्ड हो, नाम के लिए निवास प्रमाण पत्र या वोटर आईडी कार्ड, इसके साथ साथ आपको आधार कार्ड यहाँ पे मर्ज करके अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे पर्पस में नेम कलेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको दोनों हाथ मिलाकर तीन फिंगर कैप्चर करना है, फिंगर क्वालिटी जो है आपका जो होगा यहाँ पे 70% होना चाहिए, यहाँ पे फिंगर जो है ज्यादा काला यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिंगर यहाँ पे स्पष्ट नजर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तीन फिंगर को कैप्चर करेंगे, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं आपका डाटा सबमिट हो जाएगा, पेंडिंग लिस्ट में जाता है, पेंडिंग लिस्ट में कैसे जाता है यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे जैसे आप आएंगे नाम वाला में। ठीक है, और यहाँ पे पेंडिंग लिस्ट में आते हैं, जैसे पेंडिंग लिस्ट में क्लिक करेंगे तो ये चीज आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो सक्सेस होगा, जैसे सक्सेस होगा तो सक्सेस कैसे शो करेगा, यहाँ पे जैसे सक्सेस लिस्ट है, सक्सेस लिस्ट में आते हैं तो यहाँ पे जितने भी आपने काम किए होंगे जो सक्सेस हो गया होगा यहाँ पे सक्सेस दिखेगा, सक्सेस होने के 48 घंटे के बाद जो आपका यहाँ पे आपको इनरोलमेंट रिसिप्ट मिल जाता है, इनरोलमेंट नंबर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, वहां से आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे नाम करेक्शन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी अपडेट करना है, ये सारा काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका ये से यहाँ पे पर एंट्री, यहाँ पे अपने नाम करेक्शन किया, यहाँ पर एंट्री चार्ज जो है आपका यहाँ पे 400 कटेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर पूरा नाम आपको चेंज करवाना होगा, उसको अप्रूवल कराना होगा, इसके लिए जो है 200 रुपए आपको अप्रूवल चार्ज यहाँ पे आपको पे करना है, ये चीज समझ लीजिए। अगर आपको पूरा नाम चेंज करना है तो यहाँ पे 400 रुपए एंट्री चार्ज और 200 रुपए आपको अप्रूवल चार्ज लगेगा, उसको यहाँ पे आपको सेंड करना होगा, तो यहाँ पे आपको पूरा नाम चेंज कर दिया जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आईडी आपको किस प्रकार से मिलेगी। इसके लिए यहाँ पे टाइप करना है सबका यूएसएल, यहाँ पे जैसे हमने टाइप किया हुआ है सबका यूएसएल टाइप करना है। इसके बाद आपको नाम, आपको अपना व्हाट्सएप नंबर, आपको अपना ईमेल, आपका स्टेट और जिला का नाम, और आईडी चार्ज यहाँ पे 200 रुपए लगेंगे। यहाँ पे आपको स्कैनर क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इस क्यूआर कोड को आप जो वीडियो को स्किप करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस क्यूआर कोड पे आपको पेमेंट करना है। नीचे में आपका व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पर भी आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख जा रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ये सारा डिटेल और पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है, आपको आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने समझा कि किस प्रकार से आपको नाम चेंज करना है, पूरा नाम चेंज करना है, तो किस प्रकार से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है और किस प्रकार से आपको आईडी मिलेगा ये भी आपने समझ लिया है, और यहाँ पे अप्रूवल चार्ज जो भी लगेगा वो चीज आपने समझ लिया है, और एंट्री क्या होने वाला है ये भी आपने यहाँ पे समझ लिया है। अगर आपको आईडी चाहिए तो इतना डिटेल एंड पेमेंट करेंगे, अगर आपको आईडी नहीं चाहिए, अगर आप पेमेंट पहले नहीं करना चाहते हैं तो ये चीज समझिए, आईडी के लिए आपको पेमेंट पहले करना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि आईडी के लिए पेमेंट आपको पहले करना होगा, और अगर आप पहले पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि आप मैसेज ना करेंगे, क्योंकि आपके एक मैसेज के चक्कर में जो है दूसरों का टाइम पास हो जाता है, दूसरों को जवाब देने में जो है हमें समय लग जाता है। ये चीज मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको आईडी चाहिए तो डिटेल एंड पेमेंट पहले आपको करना होगा तो ही आप मैसेज करेंगे, नहीं तो अपना मैसेज नहीं करेंगे। चलिए, उम्मीद है जानकारी पसंद है तो वीडियो का लाइक करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।